एक सवाल का वो जवाब दे दें कि उनके पिताजी रांची के होटवार में 2017 से किस चीज की सजा भुगत रहे। नीतीश कुमार जी ने तो उनको उंगली पकड़ के उप मुख्यमंत्री बनाया और वो नेता बन गए, और वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। लगातार आरजेडी को झटका लगते जा रहा है, ऐसे में गठबंधन में क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो चेहरा है क्या वो स्वीकार नहीं है? जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तीखे सवाल पूछे हैं और पूछा है कि तेजस्वी यादव भले ही कितने भी सवाल पूछें लेकिन वो तो पहले एक जवाब दें। एक सवाल सिर्फ पूछ रहे हैं जेडीयू के सांसद ललन सिंह, क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। आपका भोला बाबू जो अपना सीट 3 बार विधायक थे छोड़ दिए थे, तब ना जीत रहे थे वहां से, अब क्या होगा? इनसे ना जाके पूछिए कि अब क्या होगा, लड़ेंगे कि नहीं, अब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। रघुवंश बाबू के बारे में मैंने कल ही कहा कि रघुवंश बाबू एक सम्मानित नेता रहे हैं, पूरे प्रदेश के प्रतिष्ठित नेता रहे हैं, वो किसी भी पार्टी में, लेकिन रघुवंश बाबू एक सम्मानित नेता रहे हैं। उन्होंने चरित्र अपने पूरे चरित्रता के साथ सार्वजनिक जीवन का निर्वाह किया है। हम लोग रामजीवन बाबू को तब से जानते हैं जब 1977 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार में वो मंत्री थे, तब से भोग रघुवंश बाबू को जानते हैं। अब रघुवंश बाबू जैसे नेता, अभी हमने आपको बताया कि भोला बाबू जिन्होंने त्याग किया उनको तो अपमानित किया, रघुवंश बाबू ने जो 32 साल जो उनका इस्तीफा कल हमने देखा है कि 32 साल तक जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद उन्होंने लालू प्रसाद जी का समर्थन किया, उनके पीठ के पीछे खड़ा था, और वैसे व्यक्ति को भी किसके लिए अपमानित किया ये आप सोचिए, किसके लिए अपमानित किया और उस अपमान के पीछे कौन सा खेल है यह भी आप जानिए। क्या वो जवाब दे देंगे कि उनके पिताजी रांची में काहे के लिए? एक सवाल का वो जवाब दे दें कि उनके पिताजी रांची के होटवार में 2017 से किस चीज की सजा भुगत रहे। भाई आप तो ये कह नहीं सकते हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा दिया। आज तो वो अगर रांची में है तो कोर्ट के आदेश से है, न्यायपालिका के आदेश से है, न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने कुकर्म किया है इस प्रदेश के साथ उसको प्रमाणित हुआ न्यायालय में, और तब न्यायालय ने उनको सजा दी है। तो उनको एक सवाल का जवाब देना ना चाहिए, बाकी सवाल उनको पूछने का कौन अधिकार है? जो अपने पार्टी के नेताओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं वो नीतीश कुमार जी से सवाल क्या करेंगे? नीतीश कुमार जी ने तो उनको उंगली पकड़ के उप मुख्यमंत्री बनाया और वो नेता बन गए, और वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। तो सपना देखना कोई बुरा नहीं है, देखना चाहिए, लेकिन देखते रहे, और मुंगेरी लाल का हसीन सपना कभी पूरा नहीं होता। तो आपने तस्वीर देखी है किस तरीके से लगातार जो गठबंधन के नेता हैं वो जेडीयू में शामिल होते जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस नेता हो, रालोसपा के प्रवक्ता हो, या फिर आरजेडी के सबसे पुराने नेता भोला राय, जो इनका राघोपुर में काफ़ी ही अच्छा पैठ है। ऐसे में क्या आरजेडी को चुनाव से पहले झटके लग रहे हैं? क्या इसे कंट्रोल कर पाएगी आरजेडी और गठबंधन? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद। एक सवाल का वो जवाब दे दें कि उनके पिताजी रांची के होटवार में 2017 से किस चीज की सजा भुगत रहे। नीतीश कुमार जी ने तो उनको उंगली पकड़ के उप मुख्यमंत्री बनाया और वो नेता बन गए, और वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं।